हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रियलमी नार्जो 30 4G वर्सेस इन्फिनिक्स हॉट 11S के बीच में स्पीड टेस्ट करेंगे। यहाँ पे गाइस G85 मिलता है इन्फिनिक्स हॉट 11S में और G95 मिलता है नार्जो 30 में, जो कि आप जानते हैं दोनों ही 4GB और 64GB वाले वेरियंट्स हैं। तो गाइस देखेंगे कौन कितना बेटर परफॉर्म करता है और कौन ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है और कौन सा आपको फ़ोन चूज़ करना चाहिए, किसकी रैम मैनेजमेंट अच्छी देखने को मिल जाती है। तो सारी जानकारी गाइस आपको इस वीडियो में देखने को जाएगी। ये वीडियो को देखते रहिए एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहे हमारे दोनों फोन और यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे रिबूट टेस्ट और देखेंगे कौन पहले रिबूट हो जाता है। गाइस तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे सिंपली इसको स्लाइड करते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ पे प्रेस किए रहना है और एक साथ हमने कर दिया। गाइस अब देखते हैं कि कौन ओपन होता है। वैसे गाइस यहाँ पे दोनों 4GB 64GB हैं और G85 मिलता है इन्फिनिक्स हॉट 11S में और G95 प्रोसेसर मिलता है रियलमी में। तो रियलमी के पास थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा देखने को मिलता है प्रोसेसर वाइज, बट देखते हैं कि एक्चुअल में विनर कौन होगा। और फाइनल विनर यहाँ पे गाइस हमारा इन्फिनिक्स हो गया। एज यू कैन सी, ये मतलब उम्मीद नहीं थी बट विनर हो गया इन्फिनिक्स। अब दोनों ही फोन्स को सेम वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं सिंपली और गाइस चलिए अब टेस्ट को हम करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से रैम से सभी ऐप्स को हम रिमूव कर देते हैं और गाइस यहाँ से चलिए अब ओपन करेंगे सबसे पहले क्रोम को। और गाइस यहाँ पे देखेंगे क्रोम काफ़ी हद तक सिमिलर परफॉर्म किया बट रियलमी में मुझे थोड़ा सा फास्ट लगा। नेक्स्ट गाइस हमारा कैलेंडर आता है तो इसको ओपन करते हैं और गाइस यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे, कोई बड़ा डिफरेंस मुझे यहाँ पे नहीं लगा बट इन्फिनिक्स मुझे स्लाइटली थोड़ा सा फास्ट लगा। इसके अलावा गाइस चलते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ, वो है हमारा कैलकुलेटर, एक साथ ओपन करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे सिमिलर ही लगे बट इन्फिनिक्स पता नहीं थोड़ा सा फास्ट लगा। नेक्स्ट गाइस चलिए ओपन करते हैं फाइल मैनेजर एंड गाइस यहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर थे तो यहाँ पे मैं किसी को विनर नहीं कह सकता। एंड यहाँ पे देखेंगे रियलमी में अब आपको एड्स भी देखने को मिल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है। इससे तो अच्छा मतलब इन्फिनिक्स ही है जिसमें अभी एड्स वैसा नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइस गूगल ओपन किया और यहाँ पे गाइस रियलमी में कुछ शो नहीं कर रहा बट इन्फिनिक्स में शो किया, तो रियलमी पहले ओपन किया था जैसा कि आपने देखा। यहाँ पे गाइस नेक्स्ट ऐप को ओपन करते हैं, वो है हमारा मैप्स। एंड गाइस यहाँ पे देखेंगे मैप्स रियलमी ने अच्छे से लोड कर दिया फाइनली, और पहले लोड किया फिर जाके हमारा ये इन्फिनिक्स लोड किया। तो गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे रहता है। चलिए गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ, वो है हमारा गाइस प्ले स्टोर, एक साथ ओपन करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे देखेंगे इन्फिनिक्स ने पहले लोड किया और काफ़ी अच्छे से लोड कर दिया यहाँ पे इन्फिनिक्स ने हमारा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐप की तरफ, वो है हमारा सेटिंग। एंड गाइस यहाँ पे देखेंगे रियलमी ने थोड़ा सा अच्छा काम किया और पहले लोड कर दिया कंपेयर टू इन्फिनिक्स। एंड नेक्स्ट ऐप की तरफ चलते हैं वीडियो प्लेयर। एंड गाइस यहाँ पे देखेंगे क्लियरली कि रियलमी ने थोड़ा सा फास्ट लोड किया, तो गाइस प्रोसेसर की वजह से थोड़ा सा इसको बूस्ट देखने को मिल जाता है। एंड UFS स्टोरेज भी है और रैम भी इसमें फास्ट देखने को मिल जाता है। LPDDR4X वैसे सिमिलर है बट स्टोरेज आपको बेटर देखने को मिल जाता है रियलमी में। हमें गाइस एक ही साथ चैनल को सर्च किया हम, और गाइस आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। और ये एक हमारा सेकंड चैनल भी है, उसको भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलता है मतलब 2-3 मिनट का, और काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस वहाँ पे अपलोड करता हूँ दोस्त, उसको भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट गाइस चलते हैं हम फ्री फायर की तरफ, एक साथ ओपन करेंगे एंड गाइस देखते हैं कि कौन विनर बनता है। तो दोस्त देखते रहिए वीडियो को एंड तक। और गाइस यहाँ पे सबसे पहले लोगो आ गया हमारे रियलमी में, तो G95 के पास गाइस काफ़ी एडवांटेज है गेमिंग के मामले में स्पेशली। गाइस 720G जो प्रोसेसर है उससे भी अच्छा है, बट यहाँ पे देखेंगे कि रियलमी ने पहले लोड कर दिया। बट नार्जो 30 में एक इशू मुझे फेस हुआ जो कि गाइस मैंने ऑलरेडी फ्री फायर टेस्ट में बताया, आप वो वीडियो आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पर फ्री फायर मैक्स को भी ओपन करके देख लेते हैं, और गाइस नार्जो 30 में जो इशू है वो है गाइस हीटिंग इशू, आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखेंगे रियल मी ही आगे चल रहा है बट दोनों में ही कुछ डाटा डाउनलोड हो रहे हैं, तो इसको चलिए बैक करते हैं, वैसे रियल मी ही विनर बनेगा। चलिए गाइस मैं आपको जल्दी जल्दी अब रैम मैनेजमेंट भी दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे कि रियल मी में 3 ऐप्स अभी भी हैं रैम में, जबकि 3 ऐप्स इन्फिनिक्स निकाल चुका था।
तो गाइस यहाँ से फाइल ओपन करेंगे और फाइल मैनेजर देखेंगे कि इन्फिनिक्स में है और ये एड्स देखिए रियलमी में। और गाइस चलिए नेक्स्ट ऐप की तरफ चलते हैं, वो है हमारा ये गूगल, देखते हैं रैम में है किसके। तो गाइस यहाँ पे गूगल दोनों के ही रैम में अभी अवेलेबल थे। नेक्स्ट गाइस हमारा आता है मैप्स, एक साथ ओपन करेंगे एंड गाइस मैप्स देखेंगे रियलमी से निकल चुका है जबकि हमारे इन्फिनिक्स में मौजूद था। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे प्ले स्टोर एंड गाइस यहाँ पे प्ले स्टोर देखेंगे रियलमी से निकल चुका है बट हमारा इन्फिनिक्स में है। तो इन्फिनिक्स कुछ ऐप्स को पहले ही रिमूव कर देता है अपने रैम से बट उसके अलावा जो भी ऐप्स है उनको रैम में रखता है। एज यू कैन सी सेटिंग भी निकल चुका था रियलमी से। नेक्स्ट गाइस हमारा ये वीडियो प्लेयर और वीडियो प्लेयर दोनों में ही था। एंड नेक्स्ट गाइस यूट्यूब हमारा आता है एक साथ देखेंगे कि रियलमी से निकल चुका है बट इन्फिनिक्स में अभी भी है। तो इन्फिनिक्स गाइस अच्छा वर्क कर रहा है रैम मैनेजमेंट के मामले में कहूँगा क्योंकि मैंने शाओमी से भी कंपेयर किया और यहाँ पे देखेंगे फ्री फायर भी है और जबकि रियलमी से निकल चुका है। तो रियलमी की भी ऑप्टिमाइजेशन पता नहीं कितने चली गई है। एंड गाइस यहाँ पे इन्फिनिक्स अच्छा वर्क कर रहा है रैम मैनेजमेंट के मामले में और पोवा भी जो मैंने देखा वो भी अच्छा वर्क कर रहा था कंपेयर टू रियलमी एंड रेडमी। और गाइस फ्री फायर मैक्स दोनों के ही रैम से निकल चुके हैं तो यहाँ पे मतलब ठीक है। 4GB के हिसाब से इन्फिनिक्स मुझे सही लगा एंड रियलमी को थोड़ा और अच्छा वर्क करना चाहिए। एक तो मतलब कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगा जो ऐप रखा हो, हैवी ऐप्स थोड़े थोड़े स्लाइडली रख लिया था, नहीं तो बेटर है इन्फिनिक्स का रैम मैनेजमेंट। बट ओवरऑल यूआई की बात करें तो यहाँ पे मुझे रियलमी का यूआई काफ़ी मस्त लगता है, काफ़ी स्मूथ है। इन्फिनिक्स में अभी बहुत सारी कमियाँ हैं, इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। फीचर्स तो काफ़ी कमाल के हैं बट कमियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको फिक्स अगर कर देती है कंपनी फिर जाके इसे मैं मतलब अच्छा कह सकता हूँ। अभी बहुत पीछे है इन सभी से, रेडमी से और रियलमी से। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।